हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू करियर अल्फा नीट। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग को लेकर के है। उत्तराखंड में जो भी स्टूडेंट पतंजलि जैसे कॉलेज में, गुरुकुल ऋषिकुल जैसे आपको आयुर्वेदिक कॉलेजेस मिलते हैं, जो कि अपनी आयुर्वेद में अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ही काफी पॉपुलर है इंडिया में, और बहुत सारे बच्चे इन कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हैं। पतंजलि बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं ड्रीम कॉलेज टाइप का है, जिसमें स्टूडेंट जाना चाहते हैं बीएमएस करने के लिए। तो ये कॉलेजेस आपको उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग से मिलते हैं। उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन सी वेबसाइट पे काउंसलिंग होगी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको समझनी होगी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या उत्तराखंड के अंदर अगर आप आयुर्वेदिक कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, या उत्तराखंड स्टेट में आप आना चाहते हैं। यहाँ के जो बीएमएस कॉलेजेस की काउंसलिंग है, सिंपल है कि कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ऋषिकुल कॉलेज और गुरुकुल कॉलेज, इनकी 15% सीटें EEEC के पास जाती है, बाकी जो स्टेट कोटा वाली सीट्स है वो आपका उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग से फिलअप की जाती है। अब देखिए, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट दिखाना इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली जो स्टेट लेवल पे जो भी काउंसलिंग हो रही है उनकी वेबसाइट्स वगैरह प्रॉपर अपडेटेड नहीं होती है, कई का तो हर बार नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप सर्च करोगे उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग, तो वहां पे उत्तराखंड आयुर्वेद, तो ये आपका उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सबसे पहले आपको मिलती है। ठीक है, तो पोर्टल का बेसिकली, अब ये यूनिवर्सिटी है, ये जो कि मेन यूनिवर्सिटी है, जैसे अपने यहाँ पे महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी है, या जो आपके स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है जिनसे एफिलेटेड कॉलेजेस है, जो भी अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस होंगे वो इस मेन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। डिग्री आपको मेन उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की मिलेगी, आप किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में अगर आप जाते हैं, मोस्टली उत्तराखंड के सारे कॉलेजेस इसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो यहाँ पर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो इनकी वेबसाइट है UAU.ac.in। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है जो कि उत्तराखंड की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन काउंसलिंग आपकी इस पे नहीं होगी। काउंसलिंग कहाँ पे होगी? काउंसलिंग कराने के लिए आपको इनका जो काउंसलिंग पोर्टल है वो अलग है। ठीक, देखिए स्टेट काउंसलिंग में काफी सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। कई बार जैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, आपने अगर यूपी नीट में पार्टिसिपेट किया होगा तो बहुत बार आपको बाहर कर देता है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे दिक्कत आती है, बहुत वेबसाइट यहाँ पे प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। प्राइवेट किसी वेबसाइट पे डेटा मत दो, कहीं भी अलग से फॉर्म मत भरो, ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप जब किसी भी प्राइवेट वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर देते हो तो वो डेटा कहीं ना कहीं प्राइवेट पोर्टल्स पे चला जाता है और उसका फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसयूज भी होता है। तो फिलहाल नॉन पोर्टल्स पे आप कर सकते हैं, जो भी अच्छे पोर्टल्स हैं उन पर आप क्वेरी कर सकते हैं, अपना डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी जो है, किसी भी जगह रैंडम कोई लिंक आ गया, वहां आपने क्लिक किया, उसमें लिखा है कि आयुष काउंसलिंग, या उसमें लिखा है एडमिशन इन पतंजलि यूनिवर्सिटी, आपने क्लिक करके उसका फॉर्म भर दिया, या वहां पे आपने डेटा डाल दिया, वो चीज से थोड़ा सा अगर बचेंगे तो बेहतर होगा। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आप जाएंगे UAU काउंसलिंग में। ठीक है, तो अब आप आएंगे मेन वेबसाइट पे। अब देखिए, इसका जो मेन है वो कहीं भी उत्तराखंड काउंसलिंग से मैच नहीं करता है। ठीक, इसका अगर आप डोमेन चेक करेंगे, ये आपका डोमेन है वेबसाइट का, octopad.co.in। ठीक है, ये मे बी कोई कंपनी होगी या जो भी है, फिलहाल ये एक डोमेन लगता है और प्राइवेट से डोमेन लगता है, प्राइवेट वेबसाइट जैसे डोमेन आपको नजर आता है। कहीं भी उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग या उत्तराखंड काउंसलिंग या बीएमएस काउंसलिंग उत्तराखंड कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये आपका मेन पोर्टल है जिसपे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आएगा, और इसी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग का प्रोसीजर, ये सब कुछ करना हो। तो ये हमारा उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट चेक करनी है या कुछ भी कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आएंगे तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपडेट आपको किए जाएंगे। फिलहाल ये अपने सिस्टम या लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो सब कुछ आपको प्रॉपर विजिबल होगा। ठीक है, कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह है, जब आप आगे रजिस्ट्रेशन करोगे कॉलेज भरने के लिए तो यहाँ से आपको ये बेसिकली आपको काउंसलिंग वेबसाइट में अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको पुराने अपडेट सभी दिए गए हैं, जो 2023 के प्रोविजनल कंबाइंड मेरिट लिस्ट, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस, सीट मैट्रिक्स, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी सीटें कहाँ पे खाली हैं, तो ये सब अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इन चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो फिलहाल ट्राई करिए ऑफिशियल पोर्टल से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर ये वेबसाइट है, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बीएमएस के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा अच्छी एजुकेशन चाहते हो आप उत्तराखंड डेफिनेटली आ सकते हैं। यूपी आयुष की काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको हम लोग चैनल पे यहाँ पे देंगे, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे यहाँ पे आपको जरूर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं उनका फ्रेंड सर्कल में आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।